बढ़ते डेंगू के प्रकोप को लेकर आज तेजस्वी यादव ने हर वार्ड में जो है छिड़काव की व्यवस्था करने को लेकर आज हरी झंडी देकर 75 बड़ी गाड़ियों को और 150 मोटरसाइकिल को रवाना कराया गया है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से आज तेजस्वी यादव हरी झंडी दिखा रहे हैं और उसके बाद जो है वो तमाम जो वाहन है वो सुचारू ढंग से अपने अपनी जो लाइन है उसमें निकल रही है और हर वार्ड में जाकर छिड़काव किया जाएगा एंटी लार्वा का, जो कि डेंगू के लिए जो है जिस तरीके से लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है उसी को लेकर यह तैयारी युद्ध स्तर पर की गई है। साथ ही साथ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गांधी मैदान की है, जहां पर तेजस्वी यादव और तमाम जो वरीय अधिकारी थे नगर विकास एवं आवास विभाग के, तो वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर सभी वाहनों को रवाना किया गया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बताया कि किस प्रकार से लगातार डेंगू का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है और इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि बिहार ही नहीं बल्कि सिंगापुर में भी डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, वहाँ तो कई जगहों पर रेड जोन बनाया रख गया है। बता दें आपको कि लालू प्रसाद यादव वहाँ पहुँचे हैं किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, अपना इलाज करवाने के लिए सिंगापुर पहुंचे और उसी दौरान जब बातचीत हो रही थी तो वहां पर बताया गया कि सिंगापुर में भी जो है वो डेंगू का प्रकोप बढ़ा है। किस तरीके से तेजस्वी यादव ने बिहार से साथ ही साथ डेंगू की जो बात है तो बिहार सहित सिंगापुर में भी किस प्रकार से डेंगू की जो कहा जाए कि डेंगू का जो प्रकोप है वो बढ़ा है, पूरा बयान सुनिए कि किस तरीके से उन्होंने बताया है। सभी मीडिया के हमारे बंधुगण, अर्बन डेवलपमेंट के प्रधान सचिव आनंद जी, सचिव बुटको सर्वेंद्र जी, अनिमेश जी, संजय जी, आज का कार्यक्रम जैसा प्रधान सचिव जी ने आप लोगों के समक्ष जो है अपनी बात को रख के बताने का काम किया कि डेंगू को लेकर के हमारी जो सरकार है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो गंभीर है और लगातार जो है हम लोग देख रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। बिहार भर में 2-3 ऐसे जिले हैं जहां डेंगू का प्रकोप है, जिसमें कि सबसे ज्यादा क्योंकि सबसे बड़ा शहर पटना है, राजधानी है, तो वहां इसका असर ज्यादा है। तो इसलिए हम लोगों को समीक्षा के बाद लगा कि तैयारी जो है युद्ध स्तर पर हम लोगों को करना चाहिए और इसमें आप देख सकते हैं आप लोगों के समक्ष जो है कई गाड़ियां जो है, चाहे टेम्पो माउंटेड फॉगिंग मशीन हो, हैंड हेल्ड फॉगिंग मशीन हो, एंटी लावा स्प्रे के लिए हो, ये सारी व्यवस्था जो है और बड़ी गाड़ियां जो है 6 गाड़ियां जो अंचल जो होता है उसके लिए की जाती है, तो ये व्यवस्था जो है हम लोग करा रहे हैं ताकि हर वार्ड में अच्छे से फॉगिंग हो। और साथ ही साथ क्योंकि छठ आ रहा है तो छठ में हम लोगों ने पूरे विभाग के लोगों ने और प्रधान सचिव जी ने पूरे बिहार के सभी नगर आयुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके विशेष तौर पर साफ सफाई को लेकर के विशेष ध्यान देने की बात कही गई है और हम लोगों का विभाग इस दिशा में भी काम कर रहा है। डेंगू के लिए अलग से अस्पताल में वार्ड बनाए गए हैं, उसकी भी हम लोग लगातार जो है समीक्षा कर रहे हैं, कहीं गलती ना हो, चूक ना हो, इसको लेकर के हम लोग भी खुद जा कर के औचक निरीक्षण कर रहे हैं ताकि जनता को जो है तकलीफ ना हो और जल्द से जल्द डेंगू को हम लोग कंट्रोल में कर लें। इसके लिए बेहद ज़रूरी होता है फॉगिंग की व्यवस्था कराना, लेकिन फॉगिंग के लिए मशीन चाहिए, गाड़ी चाहिए, आदमी चाहिए, केमिकल चाहिए और ये जो केमिकल सबसे महत्वपूर्ण है, अगर गाड़ी भी हो, आदमी भी हो, सारी व्यवस्था हो, लेकिन अगर केमिकल का मिक्सर अगर ढंग से ना हो तो ये फॉगिंग जो है किसी काम की नहीं होती। तो हमारे विभाग में हम सब लोगों ने गंभीरता से इसके लिए 2 डॉक्टर जो है उनके नेतृत्व में
जो मिक्सचर होता है केमिकल का, वो भी हम लोग जो है इस चीज़ को देख रहे हैं ताकि केमिकल जो हो, फॉगिंग जो हो, असरदार हो, बेअसर ना हो, दिखावटी ना हो, तो इस पर हम लोग जो है पूरा ध्यान दे रहे हैं। और आप सब लोग जान रहे हैं कि पूरा पट्टा का हर एक वार्ड में हम लोगों को कवर करना है, और ये हर ऑल्टरनेट डे, क्योंकि तीसरे दिन में दो दिन लगेगा पूरा कवर होने में, फिर तीसरे दिन से फिर जहाँ फॉगिंग हुई थी फिर वहाँ फॉगिंग होगी, इसकी भी व्यवस्था जो है कराई गई। तो बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग पूरी तरीके से बिहार सरकार डेंगू से लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और आप लोग जान रहे हैं सभी लोग कि डेंगू किस वजह से ज़्यादातर जो है होता है। अब विश्वास नहीं मानेगा, बिहार तो बिहार, लेकिन सिंगापुर जैसे देश में डेंगू का प्रकोप जो है बहुत बढ़ गया है, जहाँ वर्ल्ड क्लास सब चीज़ है, साफ सफाई से लेकर हर एक चीज़, लेकिन वहाँ भी डेंगू है। और वहाँ तो कई रेड जोन बना रखे सिंगापुर में। हमको तो जानकारी मिली क्योंकि हमारे पिता गए हैं वहाँ इलाज कराना, और हमारी बहन वहाँ रहती है। जब हम अपने काम के बारे में जिक्र कर रहे थे तो बताया गया कि वहाँ बड़े पैमाने पर जो है डेंगू फैला हुआ है। तो डेंगू के अनेक रीजंस होते हैं, क्या वजह है नहीं है बेसिक तो हम सब लोगों को पता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग तैयारी हम लोग जो है युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। और क्योंकि दो चार दिनों में थोड़ा डेंगू जो है बढ़ा है, आप लोगों को पता है कि हथिया नक्षत्र में जो है बड़ी तेज़ी से वर्षा हुई, काफ़ी ज़ोरदार बारिश हुई, और सारी दो चार चीज़ें होंगी जो जिसके वजह से डेंगू बढ़ा हो। इस पर हम लोग नज़र है। अब कोई चैलेंज आता है तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, इसलिए आप सब लोगों को यहाँ बुलाया गया। और निश्चिंत होने की ज़रूरत है, लोगों को ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग पूरी तरीके से जितना हो सकता है उससे ज़्यादा बल्कि हम लोग कर रहे हैं। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं पहले से फॉगिंग की व्यवस्था तो थी ही, होता ही, अलग से ही मशीन की खरीद हो। अब जैसे स्वास्थ्य विभाग में, अगर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग में पटना के पार्कों में अगर लग जाएगा तो उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा आता है। इसलिए प्रधान सचिव जी हम लोग सब लोग बैठ करके भाई डिस्कशन किए कि इसमें और भी जो डिपार्टमेंट है उनको जोड़िए। हेल्थ तो है ही, नगर निगम के लोग हैं, अर्बन डेवलपमेंट है, इसमें फॉरेस्ट के लोगों को भी जोड़िए। क्योंकि फॉरेस्ट के लोगों को जोड़ने का मतलब है नगर निगम या हमारा डिपार्टमेंट जो है जितने पार्कों का मेंटेनेंस की जिम्मेवारी है वो वन विभाग को देता है, और इसके साथ साथ कृषि विभाग को भी हम लोगों ने जोड़ने का काम किया। क्योंकि आप लोग जानते हो कि पास मशीन रहता है तो मशीन का हम लोग जो है इस्तेमाल कर पाए, लोगों को मिल सके, क्योंकि कीटाणु मारने वाला मशीन जो होता है उनके पास रहता है। ये तो सारे लोगों को एक बड़े पैमाने पे इस बार जो है हम लोग इतने विभागों के साथ हम लोग जो है डेंगू से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और हम तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो है फॉगिंग का काम जो है पहले से चल रहा है, लेकिन अब युद्ध स्तर पर जल्दी से जल्दी आज से शुरू हो जाए। और जैसा डिटेल में बताया कि एक दिन में 3 बार जो है फॉगिंग वो होगा, तो इससे काफ़ी जो है डेंगू हम लोग कंट्रोल में कर पाएंगे। और जहाँ अस्पतालों में बीमार जो लोग हैं उनकी भी व्यवस्था के लिए मच्छरदानी वगैरह तो दिया जा रहा है, लेकिन हमें निर्देश दिया है कि कम से कम ऑडोमॉस जो है या उस तरह की चीज़ें जो है वो मिलनी चाहिए, ताकि लोग आते जाते रहते हैं, अटेंडेंट होता है मरीज का, तो ये सारी चीज़ें छोटा छोटा चीज़ भी हम लोग देखने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने डिपार्टमेंट को, प्रधान सचिव जी को, धर्मेंद्र जी को और अनिमेश जी को धन्यवाद देते हैं कि गंभीरता से इन्होंने इस चीज़ों को टेक ऑफ किया है, पहले भी लिया था, अब युद्ध स्तर पर ले रहे हैं, और डिपार्टमेंट जो है बखूबी अपना काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।